माननीय HM साहब से जो मीटिंग की 102nd अमेंडमेंट के बाद जो परिस्थितियां तैयार हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के तहत ये कहा था कि उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि सारे अधिकार सेंटर के पास है और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी कि इसको क्लैरिफाई किया जाए और स्टेट्स को स्टेट्स के अधिकार वापस दिए जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस समय 102nd अमेंडमेंट कैरी की थी उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि भाई स्टेट के अधिकार ये इसमें कोई उसको बाधा नहीं आएगी। तो आज उसी के संदर्भ में बिल ये लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाने वाला था और उसी सिलसिले में मैंने HM साहब से मुलाकात भी की है और उनको निवेदन भी किया है कि इसी अधिवेशन में ये बिल जो है इसको मान्यता मिले। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी एक लॉगजैम तैयार करके बैठी हुई है, उन्होंने कम से कम OBC के हितों के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए इसको समर्थन देना चाहिए और इसको एक मत से पारित किया जाए। सब उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं 50% का जो गैप है रिजर्वेशन पे वो हटा दिया जाए ताकि और सहूलियत हो मराठा रिजर्वेशन। देखिए, उस बात का और इस बिल का कोई संबंध नहीं। आप किसी को भी जब रिजर्वेशन देते हैं तो सबसे पहले उनको बैकवर्ड घोषित करना पड़ता है। ये बिल उसके संदर्भ में, आप परसेंटेज की बात तो तब आएगी जब कोई बैकवर्ड होगा। तो बैकवर्ड घोषित करने का जो अधिकार स्टेट का था वो जो चला गया था वो अब स्टेट को वापस मिल रहा है, तो पहले वो कार्रवाई तो पूरी करे बैकवर्डनेस की। इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को टालने का ये काम है। जब ये मांग उठती है तो जो आपको जिम्मेदारी दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा बैकवर्डनेस का जो एक रिपोर्ट था उसको नकार दिया, तो नए सिरे से बैकवर्ड घोषित करना पड़ेगा। तो अब तक तो ये कह सकते थे कि भाई करना है, लेकिन जी हमारे पास तो स्टेट के पास कोई अधिकार ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इस अमेंडमेंट से सारा अधिकार स्टेट को मिल रहा है, उनकी जिम्मेदारी उनको करना पड़ेगा। BJP had made it very clear that 102nd amendment is only to give constitutional status to NCBC. But the court had taken it as taking away the state power. So, you know, there is a general view that the Maharashtra government, while arguing on this Maratha case, you know, kind of goofed up. What do you have to say about it? It's a split verdict. Agar aap dekhe, to do judges ne jo parliament mein government ne view rakha tha, usko upheld kiya hai. और तीन जजेस ने अलग व्यू दिया हुआ है। लेकिन हमारा भी मानना यह है कि जिस प्रकार से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। बार बार महाराष्ट्र सरकार के जो सीनियर काउंसिल्स है उन्होंने ये कहा है कि हमको जो जानकारी चाहिए सरकार की ओर से मिलती नहीं है। ऐसी कई बातें सामने आई हुई है।